भगवान की जय जय जय। बोले देवाद्रि चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोले संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की गुणैतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण शंकर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री अरहंत शंकर जी महाराज की। जहां आकर हम कर पाएंगे समोषण का साक्षात्कार और जान पाएंगे कैसे होगा जीवन का उद्धार, ऐसे आत्मविकास का दिव्य सदन जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहां बोलेगा समोषण और जहां पंचायतन शैली में अद्भुत अतिशयकारी जिनालय ज्ञान मंदिर का निर्माण हो रहा है, ऐसे गुणायतन से हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन और सेवायतन परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है और चलते हैं सायंकालीन बहुचर्चित टीवी चैनल का विश्वविख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। प्रतिदिन की भांति हम और आप परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ उठाएंगे। पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं और पूरे भारतवर्ष से जो श्रावक श्रावक यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी की ओर से परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करेंगे, हाथ उठाएंगे, नमन करेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व उन सुधी श्रावकों को मैं आमंत्रित करूंगा जिन्होंने आज अनुभव केंद्र का और गुणायतन का अवलोकन करने के बाद अपने भाव बनाए गुणायतन से जुड़ने के लिए, मैं उन सुधी श्रावकों को आमंत्रित करूंगा और जिनके नामों की घोषणा करूँ वे उसी स्थान पर खड़े होकर परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और जिन्हें यहाँ आमंत्रित किया जाएगा वो मंच पर आके गुरु वंदना करते हुए गुणायतन का सम्मान स्वीकार करेंगे। बंधु जिन्होंने स्वर्ण दान देकर अपने भविष्य को सुरक्षित किया है उनके नामों की घोषणा कर रहा हूँ। अगर उपस्थित हैं अपने स्थान पर खड़ो के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमती इंदिरा जैन, शीलचंद जी जैन, त्रद्धा, संजीव, मेघा, नीरज, सोम, तेजस, नित्या जैन, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, अगर उपस्थित हैं खड़ों के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सुरेंद्र जैन, सहारनपुर, इसी क्रम में प्रवीण जैन, ऋतु सिन्हा, प्रियम जैन, सपरिवार, सरधना, मेरठ, दिलीप कुमार जी, हीरालाल जी, शह निवासी, वोहारी, प्रवासी, वडोदरा, गुजरात, अगर उपस्थित हैं तो वहीं पर खड़ों के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। गुप्त दान में जबलपुर कटनी से हमें स्वर्ण प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में श्री अशोक कुमार, श्रीमती राजकुमार, आरती, अतुल, ईशित, मिश्री जैन, इन्होंने भी स्वर्ण दान दिया है, उपस्थित हैं तो खड़े होकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में जिन्होंने निर्माण निधि के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है अपने स्थान में खड़े होकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमान प्रवीण कुमार जी, वंशीलाल जी जैन अहमदाबाद और स्वर्गीय बाबूलाल जैन एंड किरण माला जैन की स्मृति में श्री सूर्यांश कुमार, श्रीमती रेणु जैन देहरादून, अगर उपस्थित हैं तो वहीं से खड़े होकर परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और निर्माण सारथी के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती पुष्पा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय शीलचंद जी, मनोज जी, सरिता जी, आस्था जी, दक्ष जी जैन ग्वालियर, अगर उपस्थित है तो अपने स्थान में खड़ो के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आइए चलते हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं जिन्होंने यहाँ पर स्वर्ण दान दिया है, मैं सम्मान से मंच पर आमंत्रित करूंगा, वे आएंगे और परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और गुणायतन परिवार उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। सरला जैन, डॉक्टर मनोरमा जैन दिल्ली, जिन्होंने गुणायतन के लिए स्वर्ण दान दिया है यहाँ पर उपस्थित हैं वे आए और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूँगा श्रीमान महेंद्र राखी अजमेरा धुलियान, महेंद्र राखी अजमेरा धुलियान ये आएंगे हमारे सम्माननीय श्री सरला जैन डॉक्टर मनोरमा जैन दिल्ली, उनका गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। अगर वो उपस्थित ना हो तो मैं आमंत्रित करूंगा मोहित जैन मोरे इम्फाल, हाँ जी आमंत्रित करूंगा अनुराग जी, अनुजी शेठ परिवार, वे आएंगे हमारे सम्माननीय स्वर्ण दान प्रदाता का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। जोरदार ताली बजाकर आप इनका सम्मान करें। और इसी क्रम में
अगले ईश्वरदाता प्रदाता को आमंत्रित करूंगा। मंजुला वेन चंपकलाल की स्मृति में कल्पना वेन राजेशभाई महावीर एवं गौतम अमित नगर बड़ौदरा गुजरात अगर उपस्थित हैं तो वे आए आइए और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा महेंद्र राखी धुलियान महेंद्र राखी अजमेरा धुलियान ये आएंगे गुणायतन परिवार की ओर से सम्मानी मंजुला जी बहन परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में जिन्होंने निर्वाण सारथी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है स्वर्गीय पदम सेन जिनकी स्मृति में श्री वेद कुमार श्रीमती इंदु जैन न्यू दिल्ली आइए सम्मान करें इनका। स्वर्गीय पदम सेन जैन की स्मृति में श्री वेद कुमार श्रीमती इंदु जैन न्यू दिल्ली अगर उपस्थित हैं तो वे आए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए मैं दिल्ली निवासी श्रमी संरक्षक बहुत ही अच्छा नृत्य करते हैं भक्ति करते हैं उनको आमंत्रित करूंगा। आज छोटेलाल जी नरेंद्र कुमार जी पीतमपुरा दिल्ली वे आएंगे हमारी निर्वाण सारथी पदम सेन जी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में जिनने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है मैं सम्मान सहित आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान खेमचंद जी नवीन कुमार श्रीमती रजनी चर्चित जैन दिल्ली अगर उपस्थित हैं तो वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूँगा हमारी बहन सुनीता दीदी के भ्राता पदमचंद जी जैन वाशा जो कि गुणायतन ट्रस्टी हैं वे आएंगे गुणायतन परिवार की ओर से खेमचंद जी नवीन कुमार रजनी चर्चित जैन दिल्ली वालों का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए सब पदम भैया आ जावे और इसी क्रम में जवेरा निवासी श्रीमान अनिल कुमार श्रीमती कमलेश जैन चौधरी मेडिकल जवेरा दमोह जिन्होंने सूत्रधार के रूप में इस गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है मैं आमंत्रित करूंगा वे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा मानु सिंघई गुणायतन ट्रस्टी कटनी ये आएंगे हमारे सम्माननीय श्रीमान अनिल कुमार जी कमलेश जी चौधरी मेडिकल जवेरा इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इसी क्रम में मैं अगले पुण्यार्जक को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने सेवायतन से गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है बरेली से गुणायतन ट्रस्टी इंजीनियर अनिल जी त्रिशला जी दामान पुत्री एकता जी अरुण जी पुत्र आनंद मधु जी दिल्ली विदित वर्षिका जैन शाह परिवार जिन्होंने सेवायतन से गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूँगा हमारे सेवायतन ना हाँ जी सेवायतन के ट्रस्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है आइए और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे श्रोणी संरक्षक विलासपुर निवासी श्रीमान विनोद रंजना जैन विलासपुर ये आएंगे हमारे सम्माननीय सेवायतन के ट्रस्टी इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए विनोद रंजना जाए और इन्होंने अपने बेटी जमाई को अर्थात अनिल जी और त्रिशला जी ने अपने बेटी जमाई को जी चलेगा सेवायतन से गुणायतन ट्रस्टी रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। गुणायतन ट्रस्टी तो ऑलरेडी ये परिवार है और सेवायतन ट्रस्ट में भी इन्हें जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं हम और आप आइए मैं शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करूंगा और आज शंका समाधान के प्रथम प्रश्न के लिए ब्रह्मचारी पुनीत भैया सागर संगस्त उनके माता पिता गुणायतन ट्रस्टी शिरोमणि बोला है ना हाँ जी ब्रह्मचारी पुनीत भैया सागर उनके माता पिता गुणायतन ट्रस्टी हरीश जी विमल जी वे आएंगे सबसे पहले प्रश्न करेंगे और उसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे सकल दिगंबर जैन समाज महाराष्ट्र के फलटन पुणे से जो श्रावक आए एक साथ खड़े होकर नमन करेंगे और एक प्रश्न करेंगे। हरी जी नहीं आए
पहले हरीश जी को दे देना भैया, पीछे भैया आप पीछे हरीश जी को दो पहले माइक, पहले हरीश जी को दीजिए मंच पे बुला। ओम ओम, सामने आ जा भैया, उनको यहाँ ले आए, ऊपर ले आए। गणतंत्र ट्रस्टी हरीश जी बिमला जी जो कि हमारे संघस्थ ब्रह्मचारी पुनीत भैया सागर जी उनके माता पिता हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और इसके बाद अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे शकल दिगंबर जैन समाज महाराष्ट्र फलटन पुणे के सभी श्रावक श्राविका एक प्रश्न के लिए। ओ जल्दी आइए, वहीं वहीं वहाँ वहाँ से पूछे। हाँ आ जाइए बोलिए। जी हमारे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारा प्रश्न महाराज जी कि भैया जी तो आपके पास आ गए हैं, अब हम लोगों को कोई उपाय बताइए कि हम लोग भी अच्छे मार्ग पे लगे रहें, और हमारा आप घर में बिल्कुल मन नहीं लगता है। तो मैं देखिए, मैं तो चाहूँगा एक बार जोरदार करतन ध्वनि से इस परिवार का अभिनंदन कीजिए। बड़ी भाग्यशाली माँ हो आप जिसने ऐसे संतान को जन्म दिया जो रत्नत्रय के पथ पर चलने को उत्सुक है। अभी तो थोड़ा दुख हो रहा होगा लेकिन भविष्य में गर्व होगा। इनके कारण तुम्हारी पूजा होगी, समझ गए? इसलिए विचलित मत हो, अपने मन को अच्छा बनाओ, गर्व महसूस करो। एक को मोक्ष मार्ग पर बढ़ने दो, संसार चलाने के लिए तो दूसरे को बांध ही रखा है, उसकी तो गृहस्थी बस गई। और ये सोचो कि ठीक जैसे ये अपनी राह पकड़े हैं, मैं भी समय पर आगे बढ़ूं और मोक्ष मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करूं। ये भावना मन में होनी चाहिए। बिल्कुल अपने परिणाम अच्छे रखिए और इनके लिए निश्चिंत हो जाइए। गुरुदेव का आशीर्वाद है हमारे पास है। कि प्रमाद कर हम भी अपनी बहुत सुंदर बहुत बहुत बढ़िया आशीर्वाद। चलिए सकल दिगंबर जैन समाज महाराष्ट्र फलटन पुणे के सभी श्रावक श्राविका नमन करेंगे और एक प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा गुणातन ट्रस्टी डॉक्टर भरत जी पारोला। सभी परिवार के तरफ से नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मैं श्यामा कणेला लुंगड़ महाराष्ट्र पुणे से आई हूँ। मेरे को ब्रेस्ट कैंसर था, मुझे ऑपरेशन किया और बोला केमो लेना है, लेकिन मैं केमो न लेते हुए 4 साल से भावनायोग कर रही हूँ। भावनायोग से मेरी इतनी ऊर्जा बढ़ गई है कि मैं कुछ भी ऐसा फील नहीं करती कि मेरे को कुछ है, और मैं घर का भी काम पूरा करके सब ये धर्म का भी काम कर रही हूँ। मैं 10 साल से प्रमाण सागर जी टीवी के माध्यम से जुड़ी हुई हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं एक व्याख्यान भी और एक शंका समाध भी नहीं छोड़ती हूँ। जब से भावना एक चालू हो गए तब से मेरा ये क्रम चालू है। मैं सिर्फ एक शंका पूछ रही हूँ। मेरी ये शंका है कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि किसी को दुख न पहुँचाऊँ, लेकिन थोड़ा कंट्रोल नहीं होता कि मैं चिढ़ जाती हूँ, इसके लिए मैं क्या करूँ? ओम, देखिए पहले तो मैं आप सबसे कहूँगा इनके अनुभव को आप गंभीरता से सुनिए और अमल में लाइए। ब्लड कैंसर के शिकार जिन्हें डॉक्टरों ने कीमो लेने के लिए कहा, इनने कीमो नहीं लिया। बहुत सारे लोग कीमो लेते उनका हाल बेहाल होता। आज ही एक समाचार मेरे पास आया, कीमो लेने से हालत ख़राब हो गई। और भावना योग का प्रभाव ये कि भावना योग के प्रताप से ब्लड कैंसर से पीड़ित व्यक्ति सम्मेत शिखर की वंदना करने आ गया। वंदना भी हो गई होगी? नहीं, हो जाएगी, हो जाएगी। और घर में अपना सारा काम कर रहे हैं। इनको देखकर आप कह नहीं सकते कि ये कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से ग्रसित। ऐसा एक नहीं, सैकड़ों लोगों का अनुभव है।
इसलिए आप सब से मैं कहूँगा कि भावना योग को गंभीरता से ले, उसे हल्के में न ले, और उसका ठीक रीति से प्रयोग करे, चमत्कारी प्रभाव होगा। जब मैं भोपाल में था, ऐसा ही सिद्ध चक्र विधान चल रहा था, वहाँ एक बहन ने भरी सभा में अपनी बात की थी। वो शायद इनकी बहन है, सुषमा दीदी यहाँ बैठी है, इनकी बहन है, और उन्होंने भरी सभा में कहा था, उनको भी ब्लड कैंसर था, वो नियमित भावना योग करती रही और उस 8 दिवसीय विधान में उन्होंने निरंतर 8 उपवास किया। उनकी सारी दवाइयाँ भी बंद हो गई, 2019 से 22 3 साल हो गए दवाई छूटे। तो ये चमत्कार आपके साथ भी घट सकता है, आप इसका प्रयोग करें। आपने जो कहा है कि मन में चिड़चिड़ापन आता है, तो भावना योग के एक कमांड को दिन भर लगाएं, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है। जब उठे बैठे केवल एक ही धुन, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, आप पे सहजता आई। ओम नमस्तु नमस्तु। संरक्षक डॉक्टर भरत जी पारोला, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती कमलेश अनिल चौधरी जवेरा। हे मुनिवर, 108 प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, मेरा प्रश्न है, तीर्थंकर भगवान के गर्भ कल्याण के समय 56 देवियाँ आती है, पंच कल्याण में 56 कुमारी का ही क्यों होती है? वो तो देवियाँ होती है तीर्थंकर के टाइम पर। देखिए, तीर्थंकर के कल्याणकों में इंद्र के द्वारा 60 कुमारी देवियों की ड्यूटी लगाई जाती है, नियुक्त किया जाता है। 60 कुलाचलों में रहने वाली श्री ह्री धीति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी, ये मूलतः 6 देवियां ही हैं, और आदि पुराण में भी 6 का ही उल्लेख है। ये 8 ये पंडित लोग कहाँ से ले आए मुझे नहीं मालूम। वह शांति और पुष्टि की नाम की 2 देवियाँ और जोड़ दी, तब से ये 8 कुमारी देवियाँ आ गई। कुलाचलों में वास करने वाली देवियाँ तो 6 ही है, प्रतिष्ठा ग्रंथों में 8 का चलन है। मैं भी कुछ नहीं बोलता कि चलो बढ़ाई रहे घटा नहीं रहे चलेगा, लेकिन शास्त्र में 6 देवियों का वर्णन है। और आपके रुचकवर पर्वत पर कुछ देवियों का वास होता है, वो 56 होती है, और वो देवियाँ माँ की सेवा में आती हैं, उनके आमोद प्रमोद के लिए, उनका मन लगाने के लिए, तो वो देवियाँ 56 कुमारी देवियों के अंतर्गत आती हैं। नमस्ते श्रीमती कमलेश अनिल चौधरी जवेरा गुणायतन सूत्रधार। उसके बाद शनमती संस्कार मंच के सभी श्रावक श्राविका एक साथ खड़े होंगे एक प्रश्न के लिए। महाराज जी नमोस्तु। मेरी शंका है कि मैं सरज जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं जिसमें हमारा कोई उद्देश्य सही होता है, फिर भी हमें बहुत सारी अड़चनों का सामना करना पड़ता है, ऐसे में हम अपने आप को कैसे दृढ़ रखें? आप तो एक ही बात सोचो कि अच्छा कार्य तभी होता है जब हम संघर्ष करते हैं। तो जब अच्छा कार्य करना शुरू करो तो पहले ही से सोच लो कि हमें संघर्ष करना पड़ेगा। थोड़ा याद करो, हमने जन्म ही संघर्ष करके लिया। कोई बच्चा जब माँ के पेट से बाहर निकलता है तो उसे कितना संघर्ष करना पड़ता है। तो जब हमारा जन्म ही संघर्ष से हुआ है, इसका मतलब हमारा जन्म संघर्ष के लिए हुआ है। संघर्ष करो, कोई भी कार्य करना हो मान के चलो कि ये संघर्ष बीच में आएगा, और मुझे न केवल संघर्ष करना है अभी तो उसे भी जीत कर पार उतरना। शनमती संस्कार मंच के सभी श्राव श्राविका अपने स्थान में खड़े होकर नमन करेंगे और एक प्रश्न के तैयार रहेंगे। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा महक जैन पथरिया। महक जी पहले मंडल जी, और आइए चलते हैं मंडल पुण्यक तैयार रहे। 17 नंबर से प्रारंभ करेंगे। मंडल नंबर 17
श्री वीर कुमार श्रीमणी संरक्षक श्री वीर कुमार भरत मेहता गुलवर्गा, उसके बाद तैयार रहेंगे मंडल नंबर 29 से गुणायतन ट्रस्टी अनुराग जी, सुदेश सुदेश जैन, पप्पू भैया, केवला वाला परिवार, कटनी। बोलिए। गुलबर्गा वासियों की तरफ से गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। गुरुवर, घर में सिर्फ यंत्र रख सकते हैं क्या? और यंत्र रखे तो अभिषेक रोज करना चाहिए क्या? देखिए, यंत्र आदि की अपने की विधि और व्यवस्था है, चाहे जहाँ चाहे जो यंत्र नहीं रखना चाहिए। दो तरह के यंत्र होते हैं, एक प्रतिष्ठित मांत्रिक यंत्र जिनके लिए विशिष्ट शुद्धि की जरूरत होती है और नित्य अभिषेक आदि की आवश्यकता होती है, उन यंत्रों को घर में नहीं रखना, क्योंकि घर में उतनी शुद्धि का पालन नहीं होता। और कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जिनमें विभिन्न आकृतियां होती है जिसकी केवल शुद्धि हो, जिनकी पूजा अर्चा की कोई आवश्यकता नहीं होती, अनेक प्रकार के बीजांक जिसमें अंकित होते हैं, उन यंत्रों को रखने में कोई दोष नहीं है। पर वह भी उतना ही रखो जितना जरूरी है, और इन सब चक्करों में ज़्यादा मत पड़ो। मैं एक स्थान पर था, एक सज्जन ने मुझसे कहा, महाराज मेरे घर में यंत्र है और मैं क्या करूं? तो मैंने कहा, भैया पहले बता तो सही तेरे पास कौन से यंत्र है, तब मैं देखूँ तो बताऊँ। मैं कोलकाता में था, वहाँ की बात। तो महाशय लेकर आए मेरे पास 42 यंत्र, और 42 यंत्रों में भक्तामर के, ऋषि मंडल के और अन्य अन्य यंत्र तो थे ही, कोई की शुद्धि भी नहीं थी। और सर्वकार सिद्धि यंत्र और लक्ष्मी यंत्र ज़्यादातर थे। हमने बोला, ये कितने दिन से रखे? बोले, महाराज जी हमारे पिताजी के टाइम से। बोले, तेरे यहाँ इतनी लक्ष्मी वृद्धि यंत्र है और सर्वकार सिद्धि यंत्र, तो तेरे यहाँ तो रेलम पेल हो गए। बोले, महाराज इसीलिए तो आपके पास आए हूँ, हालत खराब। तो बोले, इतने सारे यंत्र क्यों रख रखा तुमने? बोले, महाराज जहाँ गए वहाँ हमको दे दिया सो ले आए, और लक्ष्मी जी आए इसके नाम से आपको कोई यंत्र दे दे कौन मना करेगा? तो इन अंधविश्वासों में मत पड़ना। यंत्रों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन यंत्र से ज़्यादा तुम्हारे दिमाग का तंत्र है, उसका काम होना चाहिए। केवल यंत्र ही रखे रहोगे और अपने द्वारा कोई उद्यम नहीं होगा और तुम्हारे अनुकूल पुण्य के संयोग नहीं होंगे तो कभी सफल नहीं होगे। इसलिए यंत्र आदि को सीमित मात्रा में रखना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। और जिन यंत्रों की शुद्धि का निर्वाह हम नहीं कर सकते, उन्हें तो रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसका विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए इन्हें बहुत समझदारी से योग्य और प्रमाणिक व्यक्तियों के मार्गदर्शन में ही रखना चाहिए। ओ नमोस्तु। मंडल नंबर 19 से गुणायतन ट्रस्टी अनुराग जी, सुदेश जी, सुदेश जैन, पप्पू भैया, केवला वाला परिवार, कटनी। उसके बाद तैयार रहेंगे मंडल नंबर 21 से राजेश सुषमा जी, विपुल वर्धन, आस्था, अमित रेशु, कुंडम, जबलपुर। बोलिए। महाराज जी, मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी कहते हैं, स्नान से तन, दान से धन, सहनशीलता से मन और ईमानदारी से जीवन शुद्ध होता है। अब मेरा प्रश्न यह है कि जीवन की इस आबादाबी में हमें अपने जीवन में ईमानदारी, सहनशीलता व दान आदि की प्रवृत्ति को कैसे लेकर आगे आना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। स्नान से तन, दान से धन, सहनशीलता से मन और ईमानदारी से जीवन शुद्ध, जीवन सफल होता है। आपने पूछा है, ईमानदारी, सहनशीलता और दान को जीवन में कैसे घटित करें जिससे हमारा जीवन जी सार्थक हो। जी, कुछ मत करो, एक बात को अपने हृदय में बिठा लो, सब बातें अपने आप जीवन से जुड़ जाएगी। वो क्या है? मैं कौन हूँ और मेरा क्या है? इस बात को जब जान लोगे तो तुम्हारे लिए धन की उपयोगिता एक सीमा से ज़्यादा नहीं होगी, फिर धन के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा, वो
साध्य न होकर साधन बन जाए। फिर दुख शोक संताप और कष्टों को सहने की शक्ति भी अपने आप आ जाएगी। और जब तुम अपनी आत्मा को अपने केंद्र में रख लोगे तो नैतिकता, प्रामाणिकता, सच्चाई और ईमानदारी स्वतः प्रकट हो जाए जी। ये सब हमारे जीवन में घटित हो सकते हैं बशर्ते हम अपने दृष्टिकोण को साफ रख कर चले। एक क्वेश्चन महाराज जी दीदी जी। ओ बोलो। दुई महाराजों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। महाराज जी मेरा ये प्रश्न मेरी बेटी का है ऑस्ट्रेलिया से। वो पूछ रही है कि पंचम काल चल रहा है जिसमें 3/4 आबादी नॉनवेज है, और यह बात सही है कि आगम के अनुसार बहुत पुण्य करने से मनुष्य योनि मिलती है, तो फिर इतने पाप बढ़ने के साथ इतनी जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? अरे मनुष्य बढ़ रहे, मनुष्यता थोड़ी, मनुष्य होना दुर्लभ नहीं है, मनुष्यता पाना दुर्लभ है, इसे समझो। मनुजत्व दुर्लभ है, इसलिए भले आदमियों की संख्या बढ़ रही और इतनी बड़ी इतनी ज़्यादा बढ़ रही कि जनसंख्या नियंत्रण के उपाय खोजने पड़ रहे, लेकिन मनुष्यता तो अब खोजे नहीं मिल रही, वो खो गई। तो केवल मनुष्य होने वाले लोग भाग्यशाली नहीं हैं, जिनके हृदय में मनुष्यता बसती है सच्चे अर्थों में, वे ही भाग्यशाली। मंडल अमरिकेश, राजेश सुषमा, अमित रेशु, विपुल वर्धन, आस्था कुंडम, जबलपुर, इसके बाद तैयारेंगे मंडल नंबर 23 से श्रीमान राकेश जी, आरती जी, ऋषि ऋतु, ऋषिका जैन, अमर पाटन। बोलिए। मैं राजेश कुमार जैन कुंडम से, मैं मेरे परिवार और कुंडम सकल जैन समाज की ओर से माँ जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मान स्तंभ की प्रतिमाओं का अभिषेक क्यों नहीं होता, और यदि किया जाए तो उससे क्या दोष लगता है? अभिषेक करने के लिए मना थोड़ी किया, पर उसको फिर मान स्तंभ को, मान स्तंभ में वैसी सीढ़ी बनाओ तो स्तंभ कहाँ बचेगा, सीढ़ियों से घिर जाएगा, समझ गए? क्योंकि रोज वहाँ जा पाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, इसलिए नित्य अभिषेक नहीं करते, वो संरचना है, वो वेदी नहीं है। पर विशेष अवसरों पर समारोह पूर्वक मान स्तंभों का अभिषेक होता है, लोग करते हैं, और कहीं एक बार वो पैड बन जाती है तो लंबे समय तक इसलिए रख लिया जाता है कि लोग उसका लाभ उठाएं, लेकिन पैड बनाकर स्थाई ही मत रखो, मान स्तंभ को स्तंभ बने रहने दो। अगर रोज अभिषेक ही करना है तो वेदी के भगवान कम है क्या, उनके करो ना। चलिए मंडल नंबर 23 से श्रीमान राकेश जी, विपुल वर्धन जैन। हाँ बोलो। मेरा प्रश्न ये है कि जिंदगी की भाग दौड़ में स्थिरता कैसी लाए जाए? आदमी सुबह से लेके भाग दौड़ में लगा रहता है, इन परिस्थितियों में स्थिरता कैसे लाई जाए? अच्छा सवाल है, सुबह से शाम तक की भाग दौड़ में स्थिरता कैसे लाई जाए? स्थिरता आएगी यदि हम अपने जीवन का लक्ष्य सुनिश्चित कर लें। जो भाग दौड़ है उन्हें सोचना चाहिए कि ये भाग दौड़ में कर क्यों रहा, किसके लिए भाग दौड़। अगर आपके सामने भाग दौड़ का प्रयोजन साफ दिखे, उसका औचित्य समझ में आए तो भागो, पर अगर ऐसा लगता है कि मेरी ये जो भाग दौड़ है वह निरर्थक है, इसका कोई औचित्य सा प्रतीत नहीं होता, तो आपकी भाग दौड़ अपने आप खत्म हो जाएगी, समझ गए? तो भाग दौड़ क्यों कर रहे ये तो देखो। प्रायः लोगों का जीवन उद्देश्य विहीन है, इसलिए भाग दौड़ करते हैं। एक विचारक ने बड़ी अच्छी बात लिखी, आप लोगों को बुरी लगेगी, लग सकती है, फिर भी मैं सुना रहा हूँ। उसमें लिखा, उद्देश्य विहीन व्यक्ति का जीवन कुत्ते की भांति त्रिआयामी है। उद्देश्य विहीन मनुष्य का जीवन कुत्ते की भांति त्रिआयामी है। दिन रात भागना, बार बार खाना, और बचे हुए समय को अपने साथियों से लड़कर बिताना।
कितनी बड़ी बात कह दी। देखो, आपने कुत्ते को कभी बारीकी से देखा? वो कभी आपको चलता नहीं मिलेगा, भागता ही मिलेगा। देखा आपने कुत्ते को चलता हुआ? वो क्या है? भागता ही है, भागता ही है, भागता ही है। अरे भैया, कब तक भागोगे? एक बार मैं बिहार कर रहा था तो एक गाड़ी मेरे बाजू से क्रॉस हुई तो एक गांव का कुत्ता उसके पीछे लग गया। तो मेरे साथ कुछ युवक चल रहे थे, कुत्ता भी रेश में था, गाड़ी थोड़ी धीमी थी। तो मुझसे पूछा, महाराज जी, कि कुत्ता गाड़ी को पकड़ लेगा? ये कुत्ता गाड़ी को पकड़ लेगा? मैंने कहा, भैया कुत्ता गाड़ी को पकड़ भी ले तो बैठ नहीं पाएगा। कुत्ता गाड़ी को पकड़ भी ले तो बैठ नहीं पाएगा, कदाचित बैठ भी गया तो चला नहीं पाएगा, और चला भी ले तो कुत्ता कुत्ता ही कहलाएगा, इंसान नहीं बन पाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो ये भाग दौड़ क्यों? जब तक मनुष्य के सामने उसके जीवन का कोई ठोस उद्देश्य उपस्थित नहीं होता, उसका लक्ष्य नहीं होता, तब तक ऐसी अंधी दौड़ चलते ही रहती है, और इसी का नाम है आपाधापी। इसे हम समझें और हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्तियाँ अत्यंत प्रासंगिक आज याद आ गई। जीवन की इस आपाधापी में कुछ देर कहीं पर बैठ, कुछ सोच समझ विचार कर कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ क्या किया, कुछ भला बुरा क्या किया। कुछ पंक्ति भूल रहा हूँ। जीवन की आपाधापी में कुछ देर कहीं पर बैठ, कुछ पल ठिठक कर विचार कर कि मैंने क्या खोया क्या पाया। ये विचार करोगे तो रास्ता निकलेगा, अन्यथा सब शून्य होगा। काश लोग इस सत्य को समझे और अपने जीवन की दिशा सुनिश्चित करें। मंडल श्री जी नमोस्तु। मेरा एक क्वेश्चन है। दो हो गया ना जी, एक बस मारा पीछे भी है महाराज जी, एक बस महाराज जी। क्षेत्र परिवर्तन होने से यश नाम कर्म में कम या ज्यादा क्यों हो जाता है? क्षेत्र परिवर्तन से यश नाम कम अधिक हो जाता है जी महाराज जी? नहीं, पुण्य का उदय या फिर ऐसा बोले कि सुनो, इसे थोड़ा समझो। यश में हीनाधिकता दिखती है पर उसमें क्षेत्र की बहुत बड़ी भूमिका नहीं है, क्योंकि यश नाम कर्म जीव विपाकी कर्म है। इसका विपाक जीव में होता है। यश और अपयश क्या? सवाल बहुत अच्छा है। अगर मेरा यश है तो बहुत संख्यक लोग मेरा गुणगान करेंगे, मेरे प्रशंसक होंगे, और मेरा अपयश है तो आम जन मेरी निंदा करेंगे, आलोचना करेंगे। ये यश अपयश का खेल है, समझ गया? लेकिन कई यशस्वी लोगों के भी आलोचक मिलते हैं और कई बदनाम लोगों के भी प्रशंसक होते हैं, है ना? ये जो आलोचना है, निंदा है, और ये जो प्रशंसा है, ये व्यक्तियों तक सीमित है। भगवान महावीर के भी कुछ आलोचक थे तो मखली गौशाला के भी कुछ प्रशंसक थे। आज महात्मा गांधी के आलोचक थे तो बिन लादेन के भी कुछ लोग प्रशंसक थे। ये तो हर युग में ऐसा होता है। तो वो मेरे प्रति यदि किसी के मन में कोई दुर्भाव है तो मेरे साथ व्यक्तिगत बुराई से जुड़ सकता है, मेरी निंदा कर सकता है, और उसके फॉलोअर्स मेरी निंदा में शामिल हो सकते हैं, पर वो मेरा अपयश नहीं कर सकता और उसकी निंदा से मैं प्रभावित नहीं हो सकता।
कोई व्यक्ति विशेष मेरी प्रशंसा करता है तो उसका यश और अपयश से संबंध नहीं है, तो राग देश प्रेरित दुर्भावना की अभिव्यक्ति है। अब आपका सवाल जो है कि जब क्षेत्र बदलने से यश अपयश में वृद्धि होती है क्या? यश की वृद्धि में जो व्यक्ति जहाँ रहता है, जहाँ उसका परिचय है, जहाँ उसका संपर्क है, जहाँ उसके प्रशंसक और फॉलोअर्स हैं, उनके समूह में रहेगा तो उसका यशोगान ज़्यादा होगा, और जहाँ लोग उसको जानते नहीं पहचानते नहीं वहाँ एक नामचीन व्यक्ति भी आ जाए तो उसको उतना लोग नहीं जानेंगे। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आ जाए और वो अपनी पहचान लोगों को ना बताए तो क्या आप उससे प्रभावित होंगे? बाद में पता लगा ये वो था, हमें तो पता ही नहीं लगा। तो यश अपयश का जो थोड़ा बहुत प्रभाव क्षेत्र के हिसाब से पड़ता है वो यही पड़ता है, पर क्षेत्र बदलने से बढ़ता या घटता वो क्षेत्र के कारण नहीं, वो व्यक्तियों के समूह के कारण होता है। और कथनचित हम ऐसा कह भी सकते हैं क्योंकि कर्म अपना फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आश्रय से देता है। मंडल नंबर 23 श्रीमान राकेश जी, आरती ऋषि ऋतु ऋषिका जैन अमर पाटन, उसके बाद तैयारेंगे। मंडल नंबर 25 गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान विजय कुमार रूपेंद्र कुमार जैन सेपरा विटोनी। महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का अमर पाटन जैन समाज का बारम्बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैसे जीवन में समय का बहुत बड़ा महत्व होता है तो क्या मंदिर के निर्माण में जीर्णोद्धार में भी समय आने पे कार्य होता है कि समाज के या जितने उसके सदस्य हैं पदाधिकारी हैं उनके भाग से कार्य होता है? देखो, समय आने पर काम होता है या समाज के प्रतिष्ठित लोगों के भाग से काम होता है मुझे नहीं पता। मैं इतना कहूँगा कि समाज के सारे प्रमुख जन जब समय निकाल कर समर्पित हो जाए तो मंदिर का निर्माण होता है। समर्पण भाव से करो तब निर्माण होगा। तुम कहो समय आएगा तो हो जाएगा, तो पता लगा समय तो आया नहीं, तुम्हारे जाने का समय आ गया, क्या निर्माण करोगे कौन जानता है। तो जो करना है कर लो, समय कब आएगा और कैसा आएगा कौन जानता है। इसलिए अच्छा काम तुरंत कर डालो, कर लो सो काम भज लो सो राम। प्रयास करना चाहिए, हाँ कई बार प्रयासों के उपरांत भी लोगों को व्यवधान आते हैं, अच्छे कार्यों में आते हैं, तो जो भी तकनीकी बाधाएं हैं उसके निवारण के लिए भगवान का स्मरण करना चाहिए और भावना माननी चाहिए कि मेरा मंदिर जल्दी बने जल्दी बने जल्दी बने, तब आपका काम अच्छे से होगा। चलिए नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु, एक ही मेरा शंका है हमारे छोटे से। चलो बोलो। महाराज जी, जो कोई धर्म नहीं करता है और उनके अनुमोदना के भाव ही नहीं होते, और जो कोई धर्म कर रहा है उसके भी अनुमोदना नहीं कर पाता है, तो उसमें क्या हो महाराज जी? धर्म नहीं करता, धर्म की अनुमोदना नहीं करता तो उसके लिए क्या होगा, क्या बोलेंगे? हाँ, उनके परिणामों को क्या कैसा लेंगे? हम तो एक ही बात बोल रहे हैं, जो कभी खाता नहीं है ना किसी को खाता सुहाता है तो उसका क्या होगा? उसका शरीर खोखला होगा ना। ऐसे ही जो व्यक्ति न धर्म करता है न धर्म की अनुमोदना करता है उसकी चेतना भी खोखली हो जाए। मंडल नंबर 25 से गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान विजय कुमार रूपेन्द्र जैन सेपरा विटोनी, उसके बाद तैयार रहेंगे। मंडल नंबर 27 से श्रीमान नितेश कुमारी शालिनी जैन लखनऊ। नमोस्तु महाराज जी, मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा सवाल है कि किसी किसी व्यक्ति का ऑरा ऐसा होता है जिसको देखकर पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है और किसी को देखकर नेगेटिव या क्रोध के भाव आते हैं, ऐसा किस कर्म के कारण होता है और हम इनसे कैसे बचे? देखिए, जिस व्यक्ति का जैसा ऑरा है, अकार्ट साइंस इसका एक साइंस है जो काफ़ी गंभीर विश्लेषण करता है कि हर व्यक्ति के भीतर से उसका एक ऑरा निकलता है। हमारे यहाँ डॉक्टर प्रद्युमन है, वो तो व्यक्ति के ऑरा की पूरी स्कैनिंग करते हैं, उनके पास एक बहुत अच्छी डिवाइस है जो पूरे व्यक्ति के, प्रद्युमन एक बार खड़े हो जाओ, अच्छा है, ये इनके पास एक ऐसी डिवाइस है जो आपके पूरे ओरा को चेक करके उसकी पूरे कंप्यूटर में लाइव आपको उसकी फ़ोटो दिखा देंगे
और ये व्यक्ति के ओरा से उसकी चिकित्सा करते हैं। किल्यान थेरेपी में ये बताया गया है कि व्यक्ति के ओरा से हम उसके आज से 6 महीने बाद आने वाली बीमारी का भी पता लगा सकते हैं। तो इनका अपना एक प्रभाव है। तो हर व्यक्ति का अपना एक ओरा होता है और उस ओरा का प्रभाव हमारी मनोदशा पर पड़ता है। इसलिए कहीं पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है। एक शांत व्यक्ति के पास जाओगे, संत के पास जाओगे, आपके अंदर वैसी ही प्रसन्नता की अनुभूति होगी। और किसी गुस्सैल आदमी के पास जाओगे तो आपके अंदर भी वैसे भाव आने लगते हैं। तो ये व्यक्ति ही नहीं, वस्तु का भी प्रभाव पड़ता है। हर वस्तु का अपना अपना ओरा होता है। कई जगह आपको बहुत सुखद एहसास होता है, कई जगह घुसते ही आपको अच्छा नहीं लगता। तो वहाँ के रहने वाले जो परमाणुओं का समूह है वह उसका प्रभाव समझना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। एक ही ना? एक बोलो। चलो महाराज श्री, पूजा स्वाध्याय और जाप में किसको अधिक समय देना चाहिए? जिसमें जितना मन लगे। और तीनों मन, को मन तो तीनों में लगता, फिर भी समय तीनों को मन लगा के कर लो। और ऐसे करो कि समय का पता ही नहीं लगे। मंडल नंबर 27 से श्रीमान नितेश कुमार जी शाली जैन लखनऊ, उसके बाद तैयार रहेंगे। मंडल नंबर 29 से श्रीमान राकेश जी आकांक्षा जैन पुणे। कितने तक करना है? महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये कि जैसे नंदीश्वर द्वीप में कोई मनुष्य गया है, जा सकता है आगे कि नहीं? आपको पता है नंदीश्वर द्वीप कहाँ? बोलिए। हाँ नहीं है पता है। नंदीश्वर द्वीप की पूजा को अच्छे से पढ़ लेना। कर रहे पूजा, उसमें लिखा है कि नहीं, हमें नहीं शक्ति सो यहाँ करी थापना। हाँ नंदीश्वर सुर जाए पूजे जिनगे प्रतिमा हित है आपना। नंदीश्वर द्वीप 8वां द्वीप है जो मानुषोत्तर पर्वत के बाद है। मनुष्य लोक की सीमा मानुषोत्तर पर्वत में है और उससे आगे हम लोग नहीं जा सकते, मनुष्य नहीं जा सकता। तो नंदीश्वर द्वीप में हम मनुष्यों का प्रवेश नहीं, देवताओं का ही वास। महाराज जी मेरा ये पर्सनल क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग अपने बच्चों को कहा जाता है कि शुरू से मंदिर लेके जाओ, रोज लेके जाओ, तो बच्चे आपकी हैबिट हो जाएगी, मतलब अच्छा संस्कार होगा, सीखेंगे। लेकिन मैंने अपने बच्चों को शुरू से लेके गई गोदी में, और मेरे पति पत्नी दोनों मतलब बराबर लेके गए, लेकिन अब बच्चे अब अपने पैर से जाने वाले हो गए, तो अब जाना ही नहीं चाहते हैं, बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं। ये आपकी समस्या नहीं, सबकी समस्या। जब तक छोटे होते हैं बच्चे अपनी माँ की सुनते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं तो अपने दोस्तों की सुनते हैं, फिर और थोड़े बड़े हो जाते हैं तो किसी और की सुनने लगते हैं, फिर अपनी नहीं सुनते। कहते तो कहते ये, हाँ सुनो मेरी बात। इसकी एक वजह है, संगति का असर पड़ता है, पर हम लोगों की तरफ से भी कहीं कोई चूक रहती। हम बच्चों को आदत डलवाते हैं, बोध नहीं जगाते। बेटा मंदिर चलना है, बच्चा छोटा है मानता भी है, लेकिन मंदिर क्यों जाना है हम ये सिखाने की कोशिश क्यों नहीं करते? मंदिर जाने के बारे में यही कहेंगे, जा बेटा एग्जाम है आज, मंदिर चले जा, आज रिजल्ट खुल रहा है, पहले भगवान के दर्शन करके जाना है। मैंने भगवान हमारे रिजल्ट में चमत्कार कर देंगे। अरे पेपर तो हमने 3 महीने 1.5 महीना पहले लिखा, वो तो रुक के आज तो डिक्लेयर होना है, पर जा मंदिर में भगवान के धोख दिया। ये लालच हम जगाते हैं, हम भय उत्पन्न करके लोगों से धर्म कराते हैं। तो फिर बच्चों का जब तार्किक मन सक्रिय होने लगता है तो इन बातों को महत्व तो नहीं देता। यदि हमने प्रारंभिक दिनों से बच्चों के दिल दिमाग में ये बात बिठाने में सफलता प्राप्त कर ली कि मंदिर जाना मेरे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि स्कूल जाना, तो बच्चे फिर कभी कहना नहीं पड़ेगा कि मंदिर जाना हो। मुझे याद है जब मैं छोटा था उस समय हमें स्कूल जबरदस्ती भेजा जाता था। मैं क्या, मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे रोते थे जब हम लोग बच्चा क्लास में पढ़ते थे, अब तो नर्सरी हो गया।
तो नौकर छोड़ने जाता या कोई व्यक्ति घर का छोड़ने जाता था। ये बच्चा स्कूल से भागता था, स्कूल नहीं जाना चाहता, डर लगता था क्योंकि उस समय मास्टरों का भी खौफ रहता था, स्कूल का एक अलग टेरर रहता था। मैं समझता हूँ मेरी और मेरे कुछ बात तक की पीढ़ी के लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, हुआ है कि नहीं बोलो, है ना। लेकिन आज कितना बड़ा बदलाव आया, आज बच्चों का स्कूल एक दिन मिस होता है तो बच्चे रोते हैं, रोते हैं। छोटा बच्चा भी अपनी माँ से कहता, मम्मी मेरा स्कूल छूट रहा है, मुझे स्कूल नहीं छोड़ना है, स्कूल मिस, ये क्यों हुआ? इसलिए कि बच्चों के हृदय में ये बात बैठ गई कि स्कूलिंग का महत्व कितना अधिक है। काश इसी तरह यदि हम लोगों के बच्चों के मन में ये बात बिठा दें कि मंदिर जाने की उपयोगिता कितनी अधिक है, तो फिर कहना नहीं पड़ेगा बेटा मंदिर जा, उन्हें ये तो बताएं हम क्यों जाएं। एक परिवार था, वो अपने बच्चे के करीब 10 साल का बेटा था, मंदिर नहीं जाता था। उसकी माँ ने शिकायत की, बोले महाराज पहले तो जानता था, अब थोड़ा सा बड़ा हो गया तो जाता नहीं है। मैं उसकी तरफ देखा तो उसने बोला, महाराज जी मम्मी मंदिर जाने के लिए क्यों बोलती? मैंने बोला आप स्कूल जाते हो? बोले हाँ जाते हो। बोले क्यों जाते हो? बोले ज्ञान पाने के लिए। ठीक है, स्कूल में ज्ञान मिलता है। बोले नहीं जाओगे तो क्या होगा? बोला करियर बिगड़ जाएगा। 10 साल का बच्चा कह रहा है नहीं जाएंगे तो क्या होगा? बोले करियर बिगड़ जाएगा। बोले तो स्कूल तो आप जाते हो? बोले जाते हैं। बोले देखो स्कूल में आपको ज्ञान मिलता है, लेकिन ज्ञान पाने के साथ साथ यदि आप अपने अंदर संस्कार जगाना चाहते हो तो भगवान के मंदिर जाओ। महाराज मंदिर में जाने से कौन सा संस्कार मिलेगा? तो हमने उससे कहा, तुम जब भगवान के सामने खड़े हो तो तुम्हें एक प्रेरणा मिलेगी कि हमें अपने जीवन में हमेशा भलाई का काम करना है, हमें अपने जीवन को पवित्र बनाना है, हमें अपने जीवन को सदाचार से जोड़ना है, हमें अपने जीवन को धर्म से जोड़ना है, और इसकी प्रेरणा पाने के लिए भगवान के चरणों में जाओ, नमन करो और भगवान को इस बात का धन्यवाद दो कि भगवान आपकी कृपा से मुझे सब कुछ अच्छा मिला, ऐसी शक्ति दे कि आगे भी ऐसा ही मिलता रहे। ये प्रेरणा जगह बच्चे ने छूटते ही कहा, महाराज मम्मी ने तो ऐसा कभी बोला ही नहीं, वो तो केवल ये कहती कि मंदिर जाना है, मंदिर जाने से पुण्य मिलेगा, महाराज पुण्य तो दिखता ही नहीं। तो आप बच्चों को उसके हिसाब से समझाइए, उनके अंदर ये भाव जग जाए तो फिर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तभी इस तरह की समस्या से मुक्ति मिलेगी। और आइए मंडल पंद्रह परिवार की ओर से अंतिम प्रश्न के लिए 29 नंबर मंडल से राकेश आकांक्षा जैन पढ़े और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रोमणी संरक्षक परिवार से सेठ अनुराग जी सिंघई। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री धर्म क्या वस्तु है और इस भाव में इससे किस फल की प्राप्ति होती है? नमोस्तु। धर्म क्या वस्तु है इस भाव में उससे क्या फल की प्राप्ति होती है? मैं तो आपको बड़े साधारण शब्दों में कहना चाहूँगा कि धर्म क्या है, जैसे मकान की नींव। क्या? मकान की नींव। जैसे मकान में नींव ना हो तो मकान टिकेगा क्या? बोलो। तो जैसे मकान में नींव ना हो, नींव के अभाव में मकान नहीं टिकता, वैसे ही धर्म के अभाव में हमारा जीवन नहीं टिकता। धर्म वह तत्व है जो हमारे जीवन में स्थिरता देता है और हमारे जीवन को व्यवस्थित बनाता है। शिरोमणि संरक्षक अनुराग सिंह जी उसके बाद तैयार रहेंगे शिरोमणि संरक्षक विनोद रंजना बिलासपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, पूरे कोयला परिवार की तरफ से आपको नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जीवन में हम देखते हैं ज़्यादातर हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है और हम उसको चेक करके ही उस चीज़ को यूज़ करते हैं, तो लाइफ में ऐसा क्या करें कि पाप की एक्सपायरी डेट भी आ जाए? महाराज जी हमें सजेस्ट करें आप कि हम क्या करें कि हमारे जीवन में भी पाप की एक्सपायरी डेट जल्दी आ जाए, क्योंकि गृहस्थ जीवन में ना चाहते हुए भी अनजाने में हमसे छोटे छोटे बहुत से पाप हो जाते हैं।
बहुत अच्छा सवाल किया। सब चीज़ों की एक्सपायरी डेट है, तो पाप की भी एक्सपायरी डेट तो होनी ही चाहिए और है भी। आपने पूछा है पाप की एक्सपायरी डेट जल्दी आ जाए तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो एक सुविधा है। और चीज़ों में तो एक्सपायरी डेट आने के बाद वो बिल्कुल यूजलेस हो जाती, लेकिन पाप और पुण्य के साथ एक अलग खेला है। पाप को हम परिवर्तित कर सकते हैं और पुण्य भी बदल सकता है। तो पाप की एक्सपायरी डेट करने की दाने की प्रतीक्षा करने की जगह पाप को पुण्य में बदलने की कला सीख लो। जी, बहुत अच्छा। पाप एक्सपायर हो जाएगा जी। और उसकी एक बहुत अच्छी टेक्निक है मेरे पास, बता दूं? बताइए महाराज जी, जरूर बताइए। आ जाओ दो जन, जिसके जेब में पैसे हैं बाहर सामने आओ, दो जन आ जाओ, आ जाओ विनोद जी, आ जाओ अनिल, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कोई तुम आ जाओ, कोई दो जन आ जाओ। चाचा भतीजी पैसे हैं ना जेब में? हाँ ठीक है, चिंता मत करो, जेब में रहेंगे, आमने सामने रहो। देखो एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ, अपने जेब में पैसे निकालो, जितने निकाल लो, बस कुछ भी निकाल लो, इसे दिखाओ ना बस सामने, बस देखो ये क्या है, दिखाओ ये क्या है, माइक दो भाई, माइक दो माइक, हाँ ये क्या है महाराज जी? ये पैसा है। पैसा को क्या बोलते हैं? नोट है, नोट। पैसे को क्या बोलते हैं? पैसे को क्या बोलते हैं? परिग्रह है ना। परिग्रह पाप है कि नहीं? है ना जी। ये आपके जेब में अभी क्या रखा है? पाप। सुनो सुनो सुनो, गलत बोल रहा हूं मैं? सही। बजाओ जोर से ताली। सही। पैसा परिग्रह है कि नहीं? अब परिग्रह आपके जेब में है तो पाप है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसकी एक्सपायरी करना है तो इसको पुण्य में कन्वर्ट करना है। गुल्लक कहाँ है? गुल्लक डालो। इसको गुल्लक में डालोगे, सुनो सुनो अभी सब मत डालो, हम तो उदाहरण के लिए बोला, अगर अच्छी बात है फायदा होगा, पाप पुण्य में बदल जाएगा, अभी वो प्रैक्टिकल बता, गुल्लक नहीं है पास में, अब आप बताइए इसको गुल्लक में डालेंगे तो क्या होगा? पुण्य, पुण्य दान होगा ना। बिल्कुल। अभी तक जेब में था तो पाप, गुल्लक में डाला सो दान, जेब का पैसा परिग्रह पाप, गुल्लक का पैसा दान पुण्य, पाप को पुण्य में परिवर्तित करने की टेक्निक। बहुत सही महाराज जी। तो पाप की एक्सपायरी डेट लाने की प्रतीक्षा मत करो, पाप को पुण्य में कन्वर्ट करने की टेक्निक अपना लो, जीवन धन हो जाए। बहुत सही। नमस्ते महाराज जी। आइए अगले प्रश्न की आमंत्रित करूंगा श्रीमती संरक्षक शेठ विनोद रंजन जैन बिलासपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे गणतंत्र के आर्किटेक्ट इंजीनियर चंद्रशेखर जी जैन विदिशा। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा है, हमारे घर में हर महीने लोग विदेश जाते हैं और हम आज तक विदेश नहीं गए, हमसे बहुत जिद करी जाती है कि तुम्हें चलना है, अब आप ही समझा दीजिए हम कैसे जाएं और क्या करें। हमको ऐसे देश जाना है जहां से लौट के नहीं आना। तुम विदेश जाओ, हम विदेश जाएं। हाँ तुम विदेश जाओ, हम विदेश जाएंगे, बस। नहीं थोड़ा सा बता दो, अब जाने की इच्छा है क्या? देखो अब जाने की इच्छा तो मेरी मुहर मत लगवाओ, हमने तो नहीं, अगर तुम्हारे नियम नहीं है चले जाओ घूमा। हालांकि आजकल विदेश में भी ऐसी सुविधा हो गई है कि व्रत पलते हैं और लोग वहां भी अपने प्रतिमाओं का पालन कर रहे हैं, अपनी सुविधा अनुसार करें। हाँ प्रशांत। और अगले शंका के लिए प्रवीण सिंह जी, शकुन जी और साथ में प्रशांत जी, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि आज के सामाजिक परिवेश में व्यवहार में धर्म को कैसे लेके आए, क्योंकि आप व्यापार करें, परिवार में, समाज में, मंदिर जी में भी साम दाम दंड भेद से लोग अलग अलग तरीके से चीजें करते हैं, तो आप धर्म आपके अंदर से व्यवहार में धर्म कैसे करें, एक पंक्ति में बड़ा छोटा सा उत्तर, अधर्म से बच जाओ, यही तुम्हारा धर्म।
ये तय करो कि मेरे जीवन में कोई अधर्म ना हो। हम लोग अपनी भावनाओं में बहकर प्राय अधर्म कर देते हैं। अब आपको व्यापार में हम धर्म करें तो व्यापार नहीं कर पाओगे। माला जपने से व्यापार होगा क्या? पूजा करने से व्यापार होगा? व्यापार तो व्यापार के तरीके से होगा, लेकिन मेरे व्यापार में व्यापार का धर्म हो, अधर्म ना हो, बस इस सूत्र को अपना कर चले सफल। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, आर्किटेक्ट वेतन इंजीनियर श्रीमान चंद्रशेखर जी जैन विदिशा। महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, वर्तमान समय में दान का संबंध धन से दिखता है, तो त्याग का संबंध किससे? दान का संबंध धन से है और त्याग का संबंध परिग्रह से है, उसमें भी धन है। दान और त्याग में एक मौलिक अंतर है। दान एक छोटे से अंश का होता है और त्याग सर्वस्व का होता है, इसलिए दान से बड़ा त्याग होता है। दानी की प्रशंसा होती है और त्यागी की पूजा, इसलिए हम दान की जगह त्याग को महत्व देते हैं। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय।